हाय दोस्तों, हर गंगे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार रिव्यू ब्लॉग्स में। और आप आज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडी आज लग रही है, कोहरे भी चारों तरफ आपको दिखाई अभी देने वाले हैं। और आप देख सकते हैं सूर्य किरणें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है और आप देख सकते हैं आज की जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है और काफ़ी ज़्यादा आनंदमय भी है। अगर आप हरिद्वार में हैं तो आप इसका आनंद ले भी रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये है हर की पैड़ी का मेन डोर, हम इधर से हर की पैड़ी में प्रवेश करते हैं। हमारे जूते चप्पल यहाँ पर उतार दिए जाते हैं और नंगे पैर हमें अंदर प्रवेश करना होता है। आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है माँ गंगा के पावन दर्शन के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। आप यहां से देख सकते हैं सामने जो पहाड़ यहां से स्पष्ट दिखाई देता था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। कोहरे का आप दृश्य भी देख सकते हैं अभी, और आगे का दृश्य आपको देखने को मिलने वाली है काफ़ी अच्छी अच्छी। आप देख सकते हैं हम ब्रिज पे आ चुके हैं, भीड़ आज नए घाट पे ही दिखाई दे रही है, बाकी घाट में आप देख सकते हैं काफ़ी कम भीड़ है। आप देख सकते हैं हवा की गति यहाँ पे काफ़ी तेज़ है, हम अभी खड़े हुए हैं हर की पैड़ी में। यहाँ पे खड़े होने से हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडी की अनुभूति होती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं और देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंडी अभी होगी। अचानक मौसम ख़राब हुई है, पहले मौसम साफ था और आज मौसम अचानक ख़राब होने की वजह से सारी परेशानी हो रही है। हम चल रहे हैं आप महिला घाट की ओर। हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में, अभी आप हर की पैड़ी से माँ गंगा के पावन दर्शन कर रहे हैं। निर्मल धारा की वेग आप देख सकते हैं काफ़ी धीमी आज दिखाई दे रही है, जल की गति काफ़ी धीमी है और शीतलता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही हैं। अभी आपको अस्थि प्रवाह घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे कल परसों केवल और केवल अस्थि प्रवाह घाट का ही वीडियो आने वाली है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे क्या क्या गतिविधि होती हैं, गतिविधि के बारे में भी पूरी जानकारी हमें वहाँ से मिलने वाली है। ये दृश्य देख के आप समझ ही गए होंगे कि डुबकी लगाने के बाद हमें ठंडी कितनी ज़्यादा लगती है। हम आ चुके हैं ब्रह्मकुंड के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है।
हम आ चुके हैं अभी महिला घाट पे। महिला घाट पे आप देख सकते हैं जल की स्तर कितना है। तो अभी जल की स्तर कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं महिला घाट में भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि मौसम ख़राब है और बारिश होने की संभावना भी है और हल्की हल्की बारिश हो भी रही थी। आप देख सकते हैं महिला घाट का दृश्य जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आज आप देख सकते हैं भीड़ नहीं के बराबर है। अभी आपको मैं चारों ओर के दृश्य दिखाता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अभी मौसम की क्या स्थिति है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और माँ गंगा के ऐसे पावन दर्शन के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है माँ गंगा के पावन दर्शन के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी।